गाइस, अगर आप फुकेट फर्स्ट टाइम आ रहे हो और आप सोच रहे हो कि सबसे पहले आपको कौन से बीच पे विजिट करना चाहिए, देन विजिट सुरीन बीच. इट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट बीचेस इन दिस एरिया. सो यहाँ का जो एनवायरनमेंट है बहुत साफ है, वाइट सैंड है. द बेस्ट टाइम टू विजिट दिस बीच इज सनसेट टाइम. सनसेट बहुत सुंदर, बहुत प्यारा लगता है यहाँ से. सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई जस्ट लव स्पेंडिंग माई टाइम इन दिस बीच. इतना साफ पानी है यहाँ पे, आप स्विमिंग कर सकते हो, वेव्स में जा सकते हो, एंड आई एम वेरी श्योर यू विल लव दिस प्लेस. और इस बीच के बाहर आपको थाई फूड मिलेगा, बहुत सारी शॉप्स भी हैं. यहाँ हमने शूट किया, आप देख सकते हो कि विराट शूट कर रहे हैं. एंड बस फिर हम निकल रहे हैं बाहर, देखते हैं बाहर क्या है. सो गाइज, हम सुरीन बीच पे आए हैं. बहुत सारा शूट कर लिया है, एक दूसरे की बहुत सारी फोटोज़ कर लिए हैं. एंड नहाए नहीं हैं हम इस टाइम, क्योंकि आज हमारा कोई प्लान नहीं है पानी में जाने का. उसके लिए हम कल जाएंगे. एंड उसके बाद तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी हैं. सो एक्साइटेड तो हैं, बट अभी भूख लगी है बहुत ज़ोर से. तो अगर आप शूट के लिए आ रहे हो ना, मतलब अगर आप मेरी तरह शूट करते हो एंड यू वॉन्ट सम काम इन्वायरमेंट, मतलब फालतू वाला इन्वायरमेंट नहीं चाहिए, सुकून वाले इन्वायरमेंट चाहिए, तो जो सुरीन बीच है बहुत शांत है, फालतू के लोग नहीं आते. आप यहाँ पे अच्छे से शूट कर सकते हो, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो, एंड इवन यू कैन डू मेडिटेशन हियर. एंड बीच सीरियसली सुंदर है, नो डाउट. क्या ऑर्डर किया? I have ordered one mango smoothie and one passion fruit smoothie. Now both much? 400 baht. 400 baht? Both 400 baht. Achha, both 400 baht. Mujhe laga, bhai saab, 400 baht ki itni mehngi? Mango smoothie is amazing. Kya? Passion fruit. अच्छी है, बट नॉट, आई डिडंट लाइक इट. तो गाइस, वापस रूम में जाते हुए हमें मैंगोज देखे, कितने अच्छी क्वालिटी के मैंगोज हैं. हमने पैक कराए ताकि हम सुबह उठ के खा लें. गाइस, मैं यहाँ ग्रोसरी स्टोर आई थी और यहाँ पे रेडी टू ईट खाना लेने की ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा खाना एक्सपेंसिव है और हमें सुबह सुबह जल्दी निकलना है, और मोस्टली शॉप यहाँ पे 10 बजे खुलती हैं. सो आई वॉज़ ट्राइंग टू बाय समथिंग लाइक रेडी टू ईट, कि मैं जाऊँ और माइक्रोवेव कर लूँ और मैं खा लूँ. बट सीरियसली, अगर आप थाईलैंड आ रहे हैं, आप कुछ भी पैकेट ले रहे हो, कुछ भी रेडी टू ईट ले रहे हो, दो इट्स नॉट हेल्दी, बट ठीक है, वंस इन अ ब्लू मून चलता है. तो आपको नहीं पता चलेगा कि ये वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है. यू हैव टू यूज़ गूगल ट्रांसलेटर फॉर दिस. गाइस, वी हैड अ रियली टायरिंग डे, थक के आ गए हैं. मेरा तो चलो फिर भी ठीक है, पर रीमा इज काइंड ऑफ वेजिटेरियन, तो यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन चिकन में अवेलेबल हैं. एंड उसके लिए हमने ढूंढा एक स्वीट सा लिटिल कैफे है ये, विच इज़ नाइस. एंड प्रोबेबली दिस इज़ वेरी क्यूट लिटिल गर्ल, एंड शी रिकमेंडेड everything, the one waving. So she recommended a lot of food items and hum usi ki choice se khana kha rahe hain. And Reema has ordered, what have you ordered? One fried rice, one omelette, one chicken noodles for you. Yeah, one smoothie. Yeah, that's it. So let's see, aane do khana phir dekhte hain. गाइस, वापस आते समय उसको एक बाइक दिखी, ही इज़ अ बाइक लवर, तो उसने उसकी वीडियो बनाई, मैंने इसकी वेट करी. एंड दिस इज़ द एंड ऑफ आवर डे. रात को थोड़ा सा विराट ने स्विमिंग किया, एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में. स्टे ट्यून्ड गाइस.